तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जहां दोस्तों 16 सीटों के लिए गठबंधन को कितनी सीटें जा सकती हैं, क्योंकि गठबंधन का ये गढ़ माना जाता है और अचानक से पूरा खेल यहां पर बदलता नजर आ रहा है। झारखंड के लिए सिब्बू शरण क्या यहां पर रणनीति करते हैं, क्योंकि ये गुरु माने जाते हैं और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से महाराष्ट्र में शरद पवार ने खेल किया था, नई सरकार बनी तो सिब्बू शरण यहाँ पर क्या करेंगे। कांग्रेस और जेएमएम का ये गढ़ माना जाता है, ऐसे में कितनी सीटें इनके खाते में जा सकती हैं, लेकिन झारखंड के लिए क्या एग्जिट पोल यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे, क्योंकि अंतिम चरण काफी महत्वपूर्ण है जेएमएम और जो महागठबंधन है, क्योंकि यहीं से इनको बढ़त मिलेगी और जिसके लिए अंत भला तो सब भला। लेकिन क्या है 2014 के आंकड़े, बीजेपी 5 सीट, लेकिन अगर बात करें जेएमएम 6 और कांग्रेस 3, अगर इनको मिला दिया जाए तो 9 वैसे भी हो जाता है, और बीजेपी के कुछ नेता यहां पर जेएमएम में शामिल हुए हैं तो उसका भी फायदा यहां पर होगा, और गठबंधन में है इसका फायदा यहां पर होगा। तो क्या आंकड़े बनते हैं आगे आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपकी जानकारी के लिए कि 2 सीटों पर इस बार हेमंत सोरेन जो कि मुख्यमंत्री पद के चेहरे हैं और वो यहां पर 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और बरहेट जो सीट है वो यहां 2014 में इनने पहले भी जीती थी, इस बार भी जीत सकते हैं आंकड़े हैं। और 2019 के लिए देखिए यहाँ पर लुईस मरांडी के बीच और हेमंत सोरेन के बीच कड़ी टक्कर, दुमका विधानसभा सीट सबसे हॉट सीट बनी हुई इन 16 सीटों के अंदर, तो ये सीट भी जेएमएम के पक्ष में जा सकती है। इसके बीच यहाँ पर लिट्टीपाड़ा जो जेएमएम ने जीती थी 2014 में, पाकुड़ की बात की तो पाकुड़ भी यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में गई थी, महेशपुर यहाँ पर जेएमएम के पक्ष में सीट, और यहाँ पर शिकारीपाड़ा भी जेएमएम के पक्ष में गई थी सीट, और यहाँ पर जामा की बात करें तो जामा भी जेएमएम के पक्ष में गई थी, और यहाँ पर जरमुंडी की बात करें तो जरमुंडी भी यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में गई सीट, यहाँ पर नाला जेएमएम के खाते में गई थी 2014 में भी, और यहाँ पर जामताड़ा की बात करें तो कांग्रेस के पक्ष में ये सीट गई थी। तो ये सीटें वो थी जहां पर कांग्रेस और जेएमएम ने अपनी पकड़ 2014 में बनाई थी, इस बार गठबंधन में है तो ये पकड़ और मजबूत यहां पर नजर आ रही है आंकड़ों के हिसाब से। और जो अभी फिलहाल में आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं झारखंड के लिए इन अंतिम चरण के लिए, तो क्या आंकड़े हैं, बीजेपी को 4 सीट यहां पर जा सकती हैं और यहां पर जेएमएम के खाते में 11 सीटें जा सकती हैं, हालांकि कुछ सीटें प्लस भी हो सकती हैं माइनस भी हो सकती हैं, लेकिन प्लस होने के चांसेस ज्यादा हैं। और बात करें तो एक सीट यहां पर जेएमएम के खाते में जा सकती है, अन्य के खाते में एक भी सीट यहां पर जाती नजर नहीं आ रही है। ये यहां पर आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं और कह सकते हैं कि अब की बार किसकी सरकार, यहीं से तय हो जाएगा कि किसकी बनेगी सरकार, क्योंकि अगर जेएमएम की सरकार बनती है तो फिर यही उनको अच्छी यहां पर सीटें पकड़ करनी होगी, क्योंकि ये उनका गढ़ माना जाता है और सबसे ज्यादा सीटें यहीं से उनको मिली हैं। तो आपको क्या लगता है कितनी सीटें जा सकती हैं जेएमएम कांग्रेस महागठबंधन के खाते में इस अंतिम चरण के लिए, तो अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फाइनल आंकड़े आपको 23 दिसंबर को ही देखने को मिलेंगे, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे, और एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।